हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.5 ऑफ क्लास 9th। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, वहां आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले की कोई भी एक्सरसाइज या कॉन्सेप्ट मिस हो चुका है तो उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आपसे जो मिसिंग आपका कॉन्सेप्ट या एक्सरसाइज है वो आपको मिल जाएगा। एक और चीज़, अगर अभी तक आप लोगों ने वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब, क्यूबॉइड, इन सब का वॉल्यूम हमने कैसे फाइंड किया है, वो इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपसे मिस हो चुकी है तो आई सजेस्ट एक बार वो वीडियो जरूर देख लें, जिसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ मैच बॉक्स मेजरिंग 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, ये उसकी डायमेंशन दे रखी है मैच बॉक्स की। वट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। तो उस पैकेट का क्या वॉल्यूम होगा जिसके अंदर ऐसे 12 बॉक्सेस हैं। तो एक मैच बॉक्स इस तरीके का होता है, जिसकी डायमेंशन हमें दे रखी हैं 4, 2.5, ये 4, ये 2.5 और ये हाइट दे रखी है 1.5। ठीक है, अब इस तरीके का ऐसा ही एक बॉक्स है, मैच बॉक्स का एक बॉक्स आता है ना बड़ा सा, ठीक है, तो ये इस तरीके का बॉक्स है। इसके अंदर ना ऐसे ऐसे उठा उठा के ना बॉक्सेस रखे हुए हैं, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, ऐसे ही पूरे के पूरे बॉक्सेस रखे गए हैं। कितने? 12 बॉक्सेस रखे गए हैं। ठीक है, तो ये 12 बॉक्सेस हमने इसके अंदर रख दिए हैं। हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ पैकेट। अब इसका वॉल्यूम जो होगा पैकेट का वो किसके इक्वल होगा? इन 12 वॉल्यूम इन 12 बॉक्सेस के इक्वल होगा। क्या लिख सकते हैं हम इसको? वॉल्यूम ऑफ पैकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस, क्योंकि इस पैकेट के अंदर 12 बॉक्सेस हैं, उसी के इक्वल होगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस हम कैसे निकाल सकते हैं? 12 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। अगर एक का निकाल लें, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 के 12 जो बॉक्सेस हैं उनका वॉल्यूम आ जाएगा। तो एक बॉक्स जो है वो किस शेप का है? क्यूबॉइड की शेप का है। वाई क्यूबॉइड, क्योंकि साइड डायमेंशन डिफरेंट है। तो 12 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10। अब 5 3 5 2 2 को ऐसे कैंसिल कर दिया, 2 को ऐसे कैंसिल कर दिया, 5 5 5 25। तो ये हो गया 12 मल्टीप्लाई 15। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ये आ गया 180 सेंटीमीटर क्यूब। वाई सेंटीमीटर क्यूब? क्योंकि वॉल्यूम की जो ऐसा यूनिट होती है वो सेंटीमीटर क्यूब होती है। क्यों होती है वो मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था, आई होप आपने वो देख ली होगी। तो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? अ क्यूबॉडिकल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। एक क्यूबॉडिकल वाटर टैंक है, इनकी क्यूबॉइड की शेप का एक वाटर टैंक है। जिसकी लेंथ जो है वो है 6 मीटर, जो ब्रेथ है वो है 5 मीटर और वो कितना डीप है? वो डीप है 4.5 मीटर डीप है, हाइट है उसकी। ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, कितने लीटर का पानी आ सकता है, यानी कि हमें कैपेसिटी निकालनी है उसकी। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कैपेसिटी मतलब कि उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, दैट मीन्स वो कितना वॉल्यूम होल्ड कर सकता है, यानी कि उसका कितना एक्चुअल में वॉल्यूम है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि वो क्यूबॉइड की शेप का है, राइट, कि कितना पानी इसके अंदर आ सकता है। ओके, तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, पॉइंट हटाया, नीचे लगाया 10, 5 को ऐसे कैंसिल किया 2, 2 को ऐसे कैंसिल किया 3, तो ये आ गया 135। ये सब मीटर्स में है तो मीटर क्यूब।
ठीक है। तो अब अगर हमें कोई वाटर टैंक खरीदना है तो हम क्या बोलेंगे कि भैया 135 मीटर क्यूब का हमें एक वाटर टैंक दे दो। नहीं ना, हम लीटर्स में करते हैं। जब भी कोई टैंक खरीदना होता है या फिर कोई हमें कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खरीदनी है तो हम लीटर्स में काउंट करते हैं, है ना। तो हमें ये भी लीटर्स में लेकर आना है। तो हाउ मेनी लीटर्स, आपको मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनको हम मेजर करते हैं लीटर्स में कि हाउ मेनी लीटर्स, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट लिक्विड, राइट। नाउ यहाँ हमें हिंट भी दे रखा है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है उसके अंदर 1000 लीटर्स हैं। तो इतने मीटर क्यूब के अंदर कितने लीटर्स होंगे? अब हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 1000 से। तो 135,000 लीटर्स, तो इस टैंक के अंदर इतना पानी आ सकता है, 135,000 लीटर्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? क्वाड्रिकल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड, हाउ हाई मस्ट इट बी टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ अ लिक्विड। एक क्यूबॉडिकल वेसल है, यानी कि कोई एक बर्तन है जो क्यूबॉइडल शेप का है, क्यूबॉइड के शेप का है, जिस जो 10 मीटर लॉन्ग है, 8 मीटर वाइड है। तो मैं एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ, ये एक क्यूबॉइड, जो 10 मीटर लॉन्ग है एंड 8 मीटर वाइड है, और हाइट हमें बतानी है, और हमें बोला गया है कि उसके अंदर कितना लिक्विड आ सकता है, 380 क्यूबिक मीटर्स, इतना लिक्विड आ सकता है। नाउ व्हाट इज 380? अगर आपको देखने ही समझ में आ सकता है कि इतना वो होल्ड कर सकता है, यानी कि इतनी उसकी कैपेसिटी है, एंड कैपेसिटी मतलब इतना उसका वॉल्यूम है, तो हमें ऑलरेडी वॉल्यूम दे रखा है, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ में आता कि हमें क्या वॉल्यूम दे रखा है, तो वहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, उसकी आप एसआई यूनिट देख लो। क्यूबिक मीटर्स है, क्यूबिक मीटर्स का मतलब क्या है, 380 मीटर का क्यूब, मीटर क्यूब को हम क्यूबिक मीटर्स भी कहते हैं। तो जिसका क्यूब होगा दैट मीन्स आपको डेफिनेटली वो वॉल्यूम दिया हुआ है ना। तो हमें हाइट निकालनी है, वॉल्यूम दे रखा है, लगेगा तो वही फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लगेगा, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो हमें दे रखा है 380। तो लेंथ की वैल्यू पुट कर दीजिए, ब्रेथ की पुट कर दीजिए, हाइट हमें निकालनी है, ये हो गया 380। ये मल्टीप्लाई यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, ये टू पे कैंसिल हो रहा है, ये आएगा 19/4, दैट कैन बी रिटन एज 4.75 एंड मीटर्स। वाई मीटर्स, क्योंकि ये मीटर क्यूब है, दैट मीन्स उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों के तीनों मीटर्स में है। तो ये आ गया आपका हाइट 4.75 मीटर्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉडिकल पिट। कि हमें कॉस्ट बतानी है डिगिंग, डिगिंग मतलब खोदना, क्यूबॉडिकल पिट यानी कि एक खड्डा जो क्यूबॉडिकल शेप का है, उसको खोदने की कॉस्ट बतानी है, और वो खड्डा जो है वो कितना लॉन्ग होना चाहिए, 8 मीटर लॉन्ग, कितना ब्रॉड यानी कि उसकी विड्थ होनी चाहिए 6 मीटर, और कितना डीप होना चाहिए, 3 मीटर डीप होना चाहिए, ठीक है। एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब को खोदने के लिए अगर वो 30 रुपये ले रहा है, तो इस पूरे को खोदने के कितने लेगा? तो सबसे पहले ये ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे हमने एक पिट को खोदना है, और वो होनी चाहिए क्यूबॉडिकल शेप की, ठीक है। तो ये ग्राउंड लेवल है, इससे नीचे हमने एक ऐसा खड्डा खोदना है जिसकी लेंथ होनी चाहिए 6 मीटर, जिसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए ये होनी चाहिए 8 मीटर, 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर विड्थ होनी चाहिए, और कितना डीप होना चाहिए, 3 मीटर का डीप होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हमने खोदना है, तो वो 1 मीटर क्यूब के लिए, 1 मीटर क्यूब को खोदने के लिए, इतना सो खोदने के लिए वो 30 रुपीज़ ले रहे हैं। तो इस पूरे को खोदने के लिए कितना लेंगे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, राइट, तभी हम बता पाएंगे ना कि वो कितना पैसे लेगा। वो जब हमारे पास पूरा वॉल्यूम आ जाएगा, उसको हम 30 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और वी कैन राइट कॉस्ट ऑफ डिगिंग, यानी कि खोदने की जो कॉस्ट है
कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 meter cube वो है 30 rupees. तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग दिस मच मीटर क्यूब, दिस मच मतलब पूरा इसका वॉल्यूम, ठीक है, वो कितना होगा 30 multiply पूरा का पूरा वॉल्यूम. तो निकाल लेते हैं इसका वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ पिट, पिट मतलब कि क्यूबॉइड की पिट, क्यूबॉडिकल शेप है. तो क्यूबॉडिकल का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 8 multiply 6 multiply 3 विच इज इक्वल्स टू 8 multiply 18. ये आ गया 144 meter cube. यानी कि इसका पूरा वॉल्यूम कितना है 144. तो 1 meter cube को के खोदने के लिए वो 30 rupees ले रहा है, तो 144 meter cube खोदने के लिए कितने लेगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 0, 3 4 12, 3 4 12 and 1 13, कैरी ओवर 1, 3 1 3 and 1 4. तो 4320 rupees लेगा वो इस खड्डे को खोदने के लिए. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉडिकल टैंक इज 50,000 liter ऑफ वाटर. यानी कि एक क्यूबॉडिकल टैंक है जिसके अंदर 50,000 liter वाटर आ सकता है. फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ द लेंथ एंड द डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली 2.5 and 10 meters. तो यानी कि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक क्यूबॉडिकल टैंक है, जिसकी लेंथ जो है वो है आपके पास 2.5 meter, एंड जो डेप्थ है, डेप्थ मतलब कि कितनी वो डीप है, वो है 10 meter, ठीक है. और हमें निकालनी है ब्रेथ, कितना वो चौड़ा है, यानी कि उसकी ब्रेथ हमें फाइंड करनी है. और बोला गया है कि इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है, 50,000 liters वाटर आ सकता है. दैट मीन्स हमें कैपेसिटी दे रखी है किसकी, क्यूबॉइड की. कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, कि इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड. जितना पानी इसके अंदर आएगा उतना ही क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा, राइट. तो हम यहां लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, जितना इसके अंदर आ सकता है वही है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज 50,000 liters, राइट. तो अब हमें इस लीटर्स को चेंज करना पड़ेगा मीटर में, मीटर क्यूब में. वाई, क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो मीटर में है, जो हमारी हाइट है वो मीटर में है, तो हमारी ब्रेथ भी मीटर में आनी चाहिए. दैट मीन्स इसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मीटर क्यूब में. कैसे करेंगे, हमें पता है कि वन मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 liters के इक्वल होता है, है ना. तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा. तो 50,000 डिवाइड बाय 1000 विच इज इक्वल टू 50 meter cube, राइट. अब ये आ चुका है हमारे पास. अब हम सीधा क्या निकाल लेंगे, अब हम हाइट लगा, हम ब्रेथ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, which is equal to length into breadth into height. ये किसके इक्वल है, 50 के. लेंथ है आपके पास 2.5, ब्रेथ आपको फाइंड करनी है, हाइट है आपके पास 10. सॉल्व कर लेते हैं इसको. ब्रेथ इज इक्वल टू 50, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ आके हो जाएंगे डिवाइड के. पॉइंट हटाया, ऊपर लगा दिया 10, 10 से 10 कैंसिल, 25 को ऐसे कैंसिल कर दिया 2, तो ब्रेथ आ गई आपके पास 2 meter. तो ये होगी 2 meter, तभी इस वाटर, इस टैंक के अंदर 50,000 liter का पानी आ सकता है. 50,000 liter बोलो या 50 meter cube बोलो, राइट. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000, एक विलेज है जिसके अंदर 4000 पीपल रहते हैं, रिक्वायर्स 150 liter ऑफ वाटर पर हेड पर डे. हर एक बंदे को 150 लीटर का पानी चाहिए हर दिन, ठीक है. इट हैज अ टैंक मेजरिंग 20, 15 and 6 meter. तो उस विलेज के अंदर जो वाटर टैंक है वो है इस डायमेंशंस का, 20, 15 and 6. फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, कितने दिनों तक जो है ये पानी वहां पर रह सकता है, यानी कि वो पूरा पूरा खत्म हो जाए, यानी कि पूरा टैंक पूरे गांव को पानी दे सके, ऐसा कितने दिन तक चल सकता है. तो सबसे पहले हम टैंक बना लेते हैं.
ठीक है। अब ये जो टैंक है इसकी डायमेंशंस है 20, 15 एंड हाइट कितनी है 6 मीटर की हाइट है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इसके अंदर अगर हम इसका वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम मतलब कि इसके अंदर टोटल पानी है ही कितना, पहले तो हम ये निकाल लें। ओके, फिर क्या है, फिर उन्होंने बोला है कि एक पर्सन को 150 लीटर चाहिए होता है पानी एक दिन का। तो वाटर फॉर वन पर्सन, एक पर्सन के लिए कितना पानी चाहिए, 150 लीटर्स चाहिए, ठीक है। ऐसे ही वहां पे कितने लोग रहते हैं, 4000 लोग रहते हैं, तो वाटर फॉर 4000 पीपल, इतने लोगों को कितना पानी चाहिए, 4000 मल्टीप्लाई बाय 150, तो हमें पता चल जाएगा उसको एक दिन में कितना पानी चाहिए। ये बात हो रही है वन डे की, वन डे में पानी एक पीपल को, एक पर्सन को चाहिए 150, तो एक दिन में पानी 4000 लोगों को कितना चाहिए, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास, पहले तो 40 लगा देते हैं, फिर आ जाएगा 60, यानी कि ये हो गया 600,000 लीटर, ठीक है। यानी कि 600,000 लीटर पानी चाहिए एक दिन के लिए इस विलेज के पीपल को, राइट। ओके, अब देखते हैं भाई इसके अंदर है कितना पानी, एक दिन के लिए उनको तो 600,000 लीटर चाहिए, तो इसमें है कितना पानी, चलिए देखते हैं। पहले तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक की शेप का है, क्यूबॉइड की, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो ये हो जाएगा आपके पास 120 मल्टीप्लाई 15 दैट इज 180 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया मीटर क्यूब का, तो 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर के, तो 1800 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, 1800 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज 18, साथ में 50 लग जाएंगी, ये आ गया लीटर्स। तो यहाँ कितने हो गया, या ये चीज़ ध्यान देना, जहाँ 50 होती है ना वो लाख हो जाता है, तो यहाँ 50 के साथ 6 लगा तो 600,000 हो गया, यहाँ 50 के साथ 18 लगा हुआ है तो क्या हो गया, 1800,000 हो गया। इस टैंक के अंदर पानी है 1800,000 लीटर और एक दिन के लिए चाहिए हमें 600,000 लीटर, तो ये कितने दिन चलेगा, ये तो आप बिना कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं। हाँ जी बताइए कितने दिन चलेगा, यस 3 डेज चलेगा, एक दिन 600,000, अगले दिन 600,000, 1200,000, फिर तीसरे दिन 1800,000, ठीक है। तो टोटल हो गया 1800,000, 1800,000 ही इसके अंदर पानी था। लिखेंगे कैसे हम इसको, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ डेज फॉर विच वाटर विल लास्ट, कि कितने दिन तक पानी बचेगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइड बाय एक दिन में पानी कितना यूज हो रहा है, तो 1800,000 डिवाइड बाय 600,000, तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3 डेज। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ गोडाउन मेजर्स 40, 25, 15, एक गोडाउन है जिसकी ये डायमेंशंस दे रखी हैं, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5, 1.25 एंड 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, कि एक गोडाउन है, बहुत बड़ा गोडाउन है, ठीक है। इस गोडाउन की जो डायमेंशंस हैं वो कितनी है, वो डायमेंशंस हैं हमारे पास 40 मीटर लॉन्ग, 25 मीटर ब्रॉड एंड 15 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर हमने क्या रखने, वुडन क्रेट्स रख रहे हैं। वुडन क्रेट्स, आप क्रेट्स ये समझ सकते हो जैसे कि डब्बे, या जिसके अंदर क्या होती हैं वो जो कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल्स आती हैं ना, वो भी जो डब्बे होते हैं ना जिसके अंदर हम रख सकते हैं ऐसे, तो उनको क्रेट्स कहते हैं, राइट। तो ऐसे वो वुडन क्रेट्स हैं, तो आप कह सकते हो इस तरीके के डब्बे रखे गए हैं, ऐसे हमने ऐसे से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से हमने यहाँ पे ना डब्बे रखने हैं, क्रेट्स रखने हैं। तो वो जो एक क्रेट है ना, एक क्रेट की जो डायमेंशंस हैं वो आपको दे रखी हैं। एक क्रेट की क्या डायमेंशंस दे रखी हैं आपको, 1.5, 1.25 एंड 0.5, ठीक है। ये सब भी किस में है, मीटर्स में है। हमें बताने हैं कि कितने इसके अंदर वुडन के क्रेट्स आ सकते हैं। तो इस चीज़ को इस तरीके से समझिए कि इस गोडाउन के अंदर कितने क्रेट्स आएंगे,
जितना इसका वॉल्यूम होगा उतने ही इसके क्रेट्स आ सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, यानी कि कैपेसिटी ऑफ गोडाउन, यानी गोडाउन के अंदर क्रेट्स आ कितने सकते हैं, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्स क्रेट्स। एक्स मतलब जितने क्रेट्स आएंगे इसके अंदर, एक्स मतलब हमें नहीं पता, 100 आ सकते हैं, 200 आ सकते हैं, 300 आ सकते हैं, हमें नहीं पता कितने क्रेट्स आ सकते हैं, राइट। तो उनका वॉल्यूम इसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन के इक्वल होगा, या हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गोडाउन इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट, यानी कि एक का वॉल्यूम निकाल लो तो एक का वॉल्यूम ये आ गया, उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 10 क्रेट्स का वॉल्यूम आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 20 क्रेट्स का वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसे ही मुझे नहीं पता कितने क्रेट्स हैं, बट उनका मैं वॉल्यूम निकाल सकती हूँ, है ना, राइट। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे तो क्रेट्स ही निकालने हैं ना, मेरे को एक क्रेट का वॉल्यूम मिल सकता है क्योंकि ये डायमेंशंस है मेरे पास, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, एक्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट, वन क्रेट भी क्या है, क्यूबॉइड की शेप का है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, वैल्यूज पुट कर दीजिए गोडाउन के लिए, 40, 25, 15 इज इक्वल टू एक्स, इसके लिए वैल्यूज पुट कर दीजिए 1.5, 1.25 एंड 0.5, ये मल्टीप्लाई का है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड का, तो 1.5, 1.25 एंड 0.5, इसका पॉइंट हटाया ऊपर 10, इसका पॉइंट हटाया ऊपर 100, इसका पॉइंट हटाया ऊपर 10 इज इक्वल टू एक्स। तो यही हमें निकालने नंबर ऑफ क्रेट्स, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, 15 से 15 कैंसिल, 5 को इससे कैंसिल किया, 5 को इससे कैंसिल किया, 5 टू ज़ा ये आ गया 25, ठीक है, 25 को इससे कैंसिल कर दिया, ये आ गया 4। नाउ क्या बचा ऊपर, 4 एंड 4, 16, साथ में 1, 2, 3, 3 जीरोस, तो 16,000 क्रेट्स इसके अंदर आ सकते हैं, इस गोडाउन में 16,000 क्रेट्स आ सकते हैं जिनकी ये डायमेंशंस है, और गोडाउन जिसकी ये डायमेंशंस है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, एक सॉलिड क्यूब है, क्यूब हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से एक क्यूब, यानी कि इसकी जो सारी एजेस हैं, सारी साइड्स हैं, वो क्या हैं, 12 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। तो इस क्यूब को हमने 8 इक्वल क्यूब्स में कट कर लिया है, ठीक है, तो हमने ऐसे एक पार्ट निकाल लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 इक्वल क्यूब्स में हमने इसको कट कर लिया, ठीक है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, अब नए क्यूब की साइड क्या होगी, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की बाद में बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें बताना है कि अगर इस क्यूब को मैं काट के 8 इक्वल क्यूब्स में रख दूं, तो उस वो जो क्यूब है वो कितने कितने साइड्स के होंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बड़े वाला क्यूब, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉलर क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, बिगर मतलब कि जो है जिसको हमने काटा है 8 की इक्वल, ठीक है, वो उसके 8 के इक्वल ही होगा, इसका बड़ा वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जिनमें हमने इसको 8 में कट किया है उसी के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब क्या हुआ, कैपिटल ए क्यूब, 8 स्मॉलर है तो 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर क्यूब, दैट इज ए क्यूब, इसकी क्या है साइड 12, इसकी हमें साइड हमें फाइंड करनी है, ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, ये 8 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड का, ये हो गया 8 क्यूब, ठीक है, तो कैंसिल करते हैं 2 पे, 2 6 2 4 फिर से 2 पे, 2 6 फिर से 2 पे 6, तो ये 3 आ गए 6, यानी कि 6 का क्यूब हो गया, यहाँ a का क्यूब, a क्यूब से क्यूब कैंसिल, a कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, तो जो नया क्यूब होगा उसकी जो साइड होंगी वो कितनी होंगी, 6 सेंटीमीटर की साइड होगी, ठीक है, पहले इतना तो पार्ट हमने निकाली। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, उनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है, तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर, सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब
डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ अ स्मॉलर क्यूब. ठीक है, तो क्या होगा सरफेस एरिया, टोटल क्या होता है 6a² और कर्व क्या होता है 4a², जौन सा मर्जी निकालो, हम टोटल निकाल लेते हैं. ठीक है, तो टोटल के लिए 6 कैपिटल ए स्क्वायर डिवाइड में 6 स्मॉल ए स्क्वायर. कैपिटल ए क्यों, बड़े वाला, और ए क्यों, जो उसमें से हमने काट के छोटे वाला निकाला. 6 से 6 कैंसिल, ए स्क्वायर साइड क्या थी इसकी 12, तो 12 × 12, छोटे वाले की क्या थी 6 आई है, तो 6 × 6, इसको इसे कैंसिल किया 2, इसको इसे कैंसिल किया तो 2 × 2 = 4/1, तो ये रेशो आ गया 4:1, राइट. तो ये है इसका रेशो बिटवीन देयर सरफेस एरिया. तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. अ रिवर 3 meters डीप एंड 40 meters वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 km/h. एक रिवर है जो 3 meters डीप है और 40 meters वाइड है, वो कितने रेट से चल रही है, वो 2 km/h की रेट से चल रही है. 2 km/h का मतलब क्या है कि एक घंटे में वो 2 km कवर करती है. ठीक है, हाउ मच वाटर विल फॉल इन टू द सी इन अ मिनट, यानी कि अब रिवर कहाँ गिरती है जाकर, सी में गिरती है. अब जो रिवर है वो सी में कितना पानी गिराती है एक मिनट के अंदर, तो हम अपनी इमेजिनेशन से एक फिगर क्रिएट करते हैं यहाँ पर कि ये एक रिवर जो 3 meters डीप है एंड 40 meters वाइड है. तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ एक रिवर. जो 3 meters डीप है, ये 3 meters डीप एंड 40 meters वाइड है. सो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 40 meters वाइड है. ठीक है, तो ये यहाँ तक खुली होगी. ठीक है, ये तो मैंने ऐसी अपने अकॉर्डिंग हमने डायमेंशंस लिए हैं. ठीक है, तो यहाँ से भी खुली है, यहाँ से भी खुली है. अब इसका जो पानी है ना वो कहाँ गिर रहा है, जाके सी में गिर रहा है. तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं, यहाँ है सी है. ठीक है, इधर सी है. ओके, अब यहाँ का पानी, ये जो पानी है, ये पानी गिरेगा सी में आकर. ठीक है, हमें बताना है कि एक मिनट में कितना पानी गिरेगा सी में आकर. अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो हम ये सोच सकते हैं कि एक मिनट के अंदर इस रिवर में जितना पानी होगा उतना ही इसके अंदर गिरेगा. जैसे मान लीजिए मैंने ना 1 minute की वॉच क्लॉक स्टार्ट कर दी है. ठीक है, 1 minute की वॉच क्लॉक स्टार्ट कर दी. जैसे ही वो क्या हुआ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 1. ओके, वो 1 पे ना यहाँ पर पानी आया. ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक वो पूरा का पूरा 1 minute हो गया. ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दी क्लॉक और यहाँ पर आके पूरा 1 minute हो गया. तो 1 minute में इतना पानी था 1 मिनट में रिवर के अंदर. ये ले लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना पानी था 1 मिनट के अंदर अंदर. यही पानी इसके अंदर गिरा होगा, जितना 1 मिनट के अंदर पानी रिवर में होगा उतना ही इसके अंदर गिरेगा, राइट. यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है कि इस 1 मिनट में रिवर के अंदर कितना पानी था. दैट मीन्स हमें वॉल्यूम निकालना है, 1 मिनट में इसके अंदर कितना वॉल्यूम आया, है ना. और जो आपकी रिवर है वो किस शेप की है, क्यूबॉइडल शेप की है, है ना. क्यों, क्योंकि इसकी डीप है, डेप्थ भी है, इसकी विड्थ भी है, और हमें निकालना पड़ेगा कि कितनी लेंथ होगी 1 मिनट में, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ होगी 1 मिनट के अंदर अंदर, है ना. उसके बाद हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं. तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ हमें नहीं पता, ठीक है, ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है 40 एंड हाइट कितनी है 3. तो अब हमें लेंथ अगर मैं निकाल लूँ तो मैं बता सकती हूँ कि भाई 1 मिनट के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर गिरेगा सी के अंदर. ओके, तो अब मेन काम है हमारा लेंथ निकालना 1 मिनट के लिए. इसके लिए हमें क्या गिवन है, इसके लिए हमें गिवन है कि एक घंटे में वो 2 km चलती है. तो 1 hour इज इक्वल टू 2 km. मेरे को कितने के लिए चाहिए, मुझे लेंथ चाहिए 1 मिनट के लिए, है ना. ये 1 hour के लिए हमें दे रखी है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 hour इज इक्वल टू 2 × 1000, ये हो जाएगा मीटर्स में. किलोमीटर था तो उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया. क्यों, क्योंकि बाकी सारी डायमेंशंस भी मीटर में है. ठीक है, ओके. अब 1 hour
इज इक्वल टू 2000 मीटर। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60, यानी कि मैं कह सकती हूँ 60 मिनट्स में वो 2000 मीटर कवर करती है। मेरे को किसके लिए चाहिए? मुझे चाहिए 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट के लिए वो कितना कवर करेगी? 2000 डिवाइड बाय 60 कैंसिल हो के ये कितना आ गया? 200 डिवाइड बाय 6 मीटर। तो 1 मिनट में कितनी लेंथ हो जाएगी उसकी? 200 डिवाइड बाय 6 मीटर। वो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ये आ गया 2, ये आ गया 100, 40 मल्टीप्लाई 100, 4000 मीटर क्यूब। 1 मिनट में इतना पानी होगा, 4000 मीटर क्यूब होगा इस रिवर में, और 1 मिनट में जितना पानी यहाँ होगा वही तो उसके अंदर गिरेगा, राइट? सो दिस इज द हाउ मच वॉल्यूम, या दिस इज द हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। सो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।